तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदाहं ददाति सुखदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्चं श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणरिताश्रीविशाखान्विशं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का अपना विषय है जीवन का वास्तविक लक्ष्य। तो काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अभी क्या समझ रहे हैं, अभी तक हमने क्या समझा है, उसके बारे में एक रिव्यू जैसा रहेगा। तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, कोई बताएगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लगता है आपको कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? कौन बताएगा? आप सब लोग जीवित हैं, मैं जीवित हूँ, सब लोग जीवित हैं, और हमारे ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविक लक्ष्य क्या है? तो जैसे अभी आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि भाई आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? और क्या क्या आंसर क्या आ सकता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना, यही हमारा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है? तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। भगवद गीता यथारूप में से कुछ लोग हम समझेंगे, प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, उसके बारे में वेदांत सूत्र में कहा गया है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना? तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य। पर आजकल हम देखते हैं कि एक बच्चे का जीवन का लक्ष्य क्या होता है, छोटा बच्चा है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या होगा? खेलना कूदना और स्कूल में जाना है, और बड़ा होके नौकरी करना। तो क्या यही है जीवन का लक्ष्य है? बड़ा होके शादी करना, परिवार बनाना, नौकरी करना उनके लिए, उनके पालन पोषण के लिए। हरे कृष्ण। तो ये पालन पोषण करना परिवार का, तो ये पशु भी करते हैं, करते नहीं करते हैं? हम तो परिवार तो हमारा कितना, हम दो, हमारे एक ऐसा छोटा परिवार होता है, पर पशु पक्षी का तो इतना बड़ा परिवार होता है। एक कुत्ते का परिवार देखो कितना बड़ा होता है। फिर उसमें और हम में क्या अंतर है? अगर हमारी चेतना यही रहेगी कि हमको एक बच्चे को हम पढ़ाएंगे, अच्छा उसका घर होगा, अच्छा उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, हम दादा दादी बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें तो पशुओं में भी पाई जाती है, तो उसमें और हम में फ़र्क क्या है?
तो वेदांत सूत्र में बताया है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जानना। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, भगवान के धाम वापस जाना, है ना। तो हम सोचेंगे कि भगवान के धाम वापस जाना, हमको क्यों जाना है भगवान के धाम वापस, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटने के लिए हमको भगवान के धाम जाना है। तो हम भगवद गीता से देखेंगे कि सही में हमको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है, हाँ? ये हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाना है, जब हमको ये लगेगा कि सही में ये हमारा जो भौतिक जीवन ये दुखमय है, तभी हमको लगेगा ना। पर हम देखते हैं आजकल कि अच्छे से हम काम कर रहे हैं, बच्चा स्कूल में अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, अच्छा हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, तो हमको इस भौतिक जगत में दुख जैसा कुछ लग नहीं रहा है। हम कोई बोल सकता है हमको कि प्रभु जी हमको तो हम तो बहुत आनंदमय है, ये बहुत सुखमय है, यहाँ पर हमको कोई दुख नहीं है, ऐसा होता है कभी, ऐसा लगता है किसी को, लगता है आप में से किसी को लगता है कि इधर बहुत सुख है, हाँ लगता है किसी को कि ये भौतिक जीवन में बहुत हम बहुत सुखी है, हमारे पास सब है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, हम बहुत सुखी है। पर ऐसा वास्तविक हम देखने जाए तो हम सुखी नहीं है, हाँ? दुखालयम अशाश्वतम, भगवान भगवद गीता के 8वें चैप्टर में 15वां श्लोक है, उसमें बता रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है, ये जो भौतिक जगत है, एक दुखमय है, दुखालयम अशाश्वतम, ये श्लोक है उसमें, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, उसका अर्थ ऐसा है, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योग में कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे ये भौतिक जीवन, भौतिक संसार जो है वो दुखालय में, हाँ? लगता है हमको कि ये भौतिक जीवन जो है वो दुखालय में, कैसे लगता है बताइए। अगर आपको लगता नहीं है तो हमारे इरविन हॉस्पिटल में आप जाइए तो पता चलेगा कैसे दुखालय में, इधर प्रभु जी को मालूम होगा कैसे कैसे, यहीं पे वृद्धाश्रम में देखिए, हम जहाँ पे अपना क्लास चल रहा है तो यहाँ पर ये जो वृद्ध लोग हैं, हम हमारे निजी जीवन में भी हम देख सकते हैं, तीन क्लेश जो है वो हमेशा सताते रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, ये जो तीन क्लेश है ये हर एक को सताते रहते हैं, हाँ? तो इससे हमको समझना चाहिए कि ये सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये जगत दुखालयम है और अशाश्वतम है, मतलब इसमें कोई स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है, जैसे हमारी ये शरीर है ये बदल रहा है, कल अलग था, बच्चे थे तब छोटा था, अभी बड़ा, शरीर चेंज हो रहा है, जैसे पूरा ये दुखालयम अशाश्वतम, मतलब इसमें कोई नित्यता नहीं है, अनित्य है सब। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जगत दुखालयम अशाश्वतम है। तो ये अगर जब तक हम ये सोचेंगे कि ये सुखमय है पूरा संसार, तो हम भगवान के बारे में हमारी जिज्ञासा वो होगी नहीं, हाँ होगी, जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये संसार में हमको नहीं रहना है, ये संसार से हमको भगवान के धाम वापस जाना है, ये कब कब हम सोचेंगे,
जब हमको किसी गांव में जाना होता है तो हम सोचते हैं कि यहाँ से हमको वहाँ जाना है। तो जब तक हम ये सोचेंगे कि ये जो घर है हमारा, ये बहुत अच्छा है, इसी में हमको रहना है, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि ये घर ख़राब है, तभी हम दूसरे घर में सोचते हैं। तो यही चीज़ हमको बहुत बार बार हमको समझनी है कि हमारा जो लक्ष्य है भगवान के धाम वापस जाना, भगवान के बारे में जानना। तो आगे हम देखेंगे कि हम कैसे इसमें प्रगति कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, कि जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है हमारा, उसको पाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, हमको क्या क्या समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये संसार दुखालय में दुख है इसमें, तभी हमको आगे आगे की हम सोचेंगे कि जब तक हम सोचेंगे नहीं कि ये दुखालय में, आगे की हम नहीं सोच सकते। तो फिर आगे हम सोचेंगे कि हम कौन है, अगर ये जगत दुखालय में है, इतना अशाश्वतम है, तो हम कौन है, हमारा अगला सवाल ऐसा आना चाहिए। तो क्या आएगा इसका जवाब हमारे, हाँ क्या है इसका जवाब, हम आत्मा है। और कोई जवाब दूसरा किसी के पास, कृष्ण का दास है, और कोई जवाब, हाँ तो प्रभु जी ने बताया। तो भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान बता रहे हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण न्यान्यानि संयाति नवानि देही। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो अभी हमने जान लिया कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये भी जान लिया कि ये दुखालय अशाश्वतम है, पर हमको यही पता नहीं कि हम कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। तो फिर हम बस दुखालय अशाश्वतम है, ठीक है, पढ़े रहो यहीं पर। इसके बारे में प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि एक बार इंद्र भगवान को ऐसा शाप मिला कि आप भौतिक जगत में जाके सुअर बन जाओ। तो नारद जी फिर आते हैं उनके पास कि इंद्र जी, आप तो ये सुअर नहीं है, आपका तो आप वहाँ के स्वर्ग के राजा हैं, तो आप चलिए। तो इंद्र इतना भौतिक जगत में व्यस्त हो गया, वो बोलता है तो यहाँ पर तो मेरा परिवार है, मेरे सारे इतने सारे बच्चे हैं, उनका क्या होगा। तो वो माया उनको इतना वैसा शरीर वहाँ पे मिला, तो उनको दुखालय लग नहीं रहा है। हाँ नारद जी बुला रहे हैं उनको, चलिए यहाँ पर आपको नहीं रहना है, फिर भी वो बोले नहीं, मेरा इधर परिवार है, ये है। उसी तरह हम भी ये सब जान गए कि हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, हम शरीर ये दुखालय है सब कुछ, और शरीर नहीं आत्मा है। फिर भी अगर हम वैसी ही स्थिति में पड़े रहे तो फिर पशु में और हम में अंतर नहीं रह पाएगा। तो ये चीज़ हमको समझनी है यहाँ पर कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। आगे हम देखेंगे कि फिर हमारा अगला सवाल क्या आएगा, हम शरीर नहीं आत्मा है तो हमको भगवान के धाम जाना है, पर हमको यही पता नहीं है कि वो धाम कैसा है, क्या है, भगवान कौन है, कहाँ जाना है। तो हम कैसे फिर उसके बारे में कैसे सोचेंगे, कैसे हम समझेंगे कि हमको कहाँ जाना है, भगवान कहाँ रहते हैं। हम बोले भगवान के धाम जाना है, भगवान के धाम जाना है, पर जहाँ आप रेलवे स्टेशन में जाओगे, आप बोलोगे कि हमको भगवान के धाम जाना है, तो क्या वो टिकट देगा, नहीं दे पाए। तो हमको वो जहाँ जाना है उसका पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, हाँ कि हमको यहाँ से राजकोट जाना है, राजकोट में फलाना फलाना ये घर जाना है, उसका घर ऐसा है, वो ऐसा दिखता है, फिर आप वहाँ जाओगे, है ना। तो ये हम
जान लिया कि हमारे जीवन लक्ष्य है, हमको भगवान के घर जाना है, धाम जाना है, और हम अगर यही नहीं जानेंगे भगवान कौन है, कि भगवान को हम कैसे जानना है, कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो यही हम नहीं जानेंगे तो फिर हम देखेंगे भगवद गीता में कि भगवान कैसे हैं, भगवान का क्या है, भगवान जन्म कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर 9वें अध्याय में दिव्य ज्ञान अध्याय का नाम है, उसमें 9th श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो देखो भगवान बता रहे हैं, यहाँ क्लियर कट बता रहे हैं, जो मेरे, हे अर्जुन, मेरे जन्म कर्म जो है वो जानता है, कैसे जानता है, तत्व से जानता है ना, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः। ऐसा नहीं कि हाँ भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो बस भगवान बोलने से हमको कोई भी बोल सकता है, हाँ नहीं कृष्ण भगवान नहीं और कोई भगवान है, काका भगवान है, फलाना दादा भगवान है, ये भगवान वो भगवान है, मामा भगवान है, ये है वो है, ऐसा कोई भी बोल सकता है, बोल सकता है नहीं बोल सकता है। वो बोलेगा ये देखो आपका जो कृष्ण भगवान है तो इसने भी जन्म लिया था, तो हमारे फलाना भगवान है उन्होंने भी जन्म लिया है, तो आप क्या जवाब दोगे उसको, हाँ क्या जवाब दोगे, हाँ शास्त्र प्रमाण तत्व से हमको जानना चाहिए, भगवान यहाँ बता रहा है जन्म कर्म, भगवान के जन्म कर्म ऐसे नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, साधारण नहीं है, वो दिव्य है, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, उसको हमको तत्व से हमको जानना है। तो ये हमको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है कि भगवान हमारे जैसे नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं 6वें श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है, जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं, जो भगवान बता रहे हैं, तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जुन। तो देखो कितना आसान है जीवन का वास्तविक लक्ष्य पाना, है नहीं आसान, लगता है आसान, हाँ यहाँ बता रहे हैं कितना आसान है। देखो जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। तो देखो और आगे भी भगवान भ्रुवाच लिख रहे हैं कि ऐसे भगवान को तत्व से जानना ये सरल नहीं है, हा? तो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं, इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है, किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5.33 यह बताता है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैत
अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैय भगवान है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं निर्विशेषवादी योगी जो है वो भगवान को इतना जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के साथ एकाकार होने की कोशिश करते हैं, फिर भी उनको हमेशा ये भय रहता है कि उनको फिर से जन्म मिलेगा, क्षीणे पुण्य वर्तल होगी, मतलब एक बार उन्होंने इतना पुण्य कमाया है तो फिर भी वो उनका पुण्य खत्म होने के बाद उसको ये भौतिक जगत में आना पड़ेगा। पर भक्त को ऐसा नहीं है, किंतु भगवान यहाँ बता रहे प्रभुपाद जी, किंतु भगवान के शरीर के दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। तो जैसे हमने देखा कि हमारा जीवन का वास्तविक लक्ष्य अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के धाम वापस लौटना, तो ये भगवान के बारे में भक्त लोग भगवान को तत्वों से जानते हैं और उनको मृत्यु के समय भगवान का स्मरण रहता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे कि उनको वापस लौटना नहीं पड़ता इस भौतिक जगत में, तो ये आसान है नहीं है। तो ये इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि भगवान के जन्म कर्म च में दिव्य में और ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं कि भगवान कौन है, ईश्वर परम कृष्ण, तो कृष्ण भगवान है ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो हमको ये इस बात में हमको विश्वास लेना चाहिए या और कोई साधारण मनुष्य बोल रहा है कि मैं भगवान हूँ तो हमको किस पे विश्वास रखना चाहिए, ब्रह्मा जी की बात पर या कोई साधारण मनुष्य बोल रहा है उसकी बात पर? हाँ, तो शास्त्र से हमको समझना चाहिए कि भगवान कौन है। तो आगे कैसे हम भगवान हमारे साथ हैं, तो हम भगवान एश्योरेंस देते हैं कि भगवान हमारे साथ भी है। हम वो श्लोक पढ़ेंगे, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति प्रायं सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायाया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो हमने देखा कि हमको भगवान को हम तत्वों से जानना चाहिए और ईश्वर परम कृष्ण, भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, परम भगवान ईश्वर जो है कृष्ण है, तो ये हमने जाना। तो हम फिर हम सोचेंगे कि यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सर्वभूताना उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति, भगवान हमारे कहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं, हृदय देश मतलब हृदय के जो देश है उसमें रहते हैं। तो ये अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो ये हमको बहुत सरल है समझना, है ना। तो भगवान ये भी बता रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान हम पत्रम पुष्पम फल फूल जो भी हम अर्पण करेंगे वो भगवान स्वीकार करते हैं, है ना। पर कैसे स्वीकार करते हैं, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से हमको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा पहले, तभी हम भगवान सब स्वीकार करेंगे। नहीं तो फिर भगवान ये भी बताते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। भगवान ये भी बता रहे हैं कि आप पत्रम पुष्टम दे दो मैं स्वीकार करूँगा, पर आप भक्त होने चाहिए। और भगवान ये भी बता रहे हैं कि बहु नाम जन्म, इतने सारे जन्मों के बाद भी
कोई एक व्यक्ति आकर के समझ सकता है ये सारी चीज़ें। तो ये हमको वो बहुनाम जन्म नाम, हम कितने सारे जन्म हमारे बीत गए, तो ये आपका भाग्य है कि आपको भगवान की कथा में रुचि है, आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसका मतलब आपको भगवान की कथा में रुचि है, तभी यहाँ उपस्थित है ना सब लोग, है ना, रुचि है तभी उपस्थित है। तो ये बहुनाम जन्म मतलब कितने सारे जन्म आपके बीत चुके हैं, तभी आपको ये अवसर मिला है, भगवान खुद बता रहे हैं। तो इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ये मनुष्य जीवन है, इसको खाने पीने पशु जैसा जीवन बिताने में हमको व्यस्त नहीं करना चाहिए। हाँ, तो भगवान एकदम छोटी सी बात बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माँ नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यते प्रतिजानो प्रियोसी में, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान देखो कितने दयालु है यहाँ पर, एश्योरेंस दे रहे हैं, ऐसा एश्योरेंस कोई दे नहीं सकता, दे सकता है कि आप भक्त बन जाओ और आपको फिर आपका सब कुछ, मैं आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान यहाँ बता रहे हैं आप मेरे भक्त बनो, जन मन मना भव मत भक्तो मज्जाची माँ नमस्कुरु माँ में वैसे से सत्य प्रियो से, भगवान बोल रहे कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। तो ये हमको बहुत समझना चाहिए, बार बार हमको ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन है, क्या हम पशु जैसे जीवन बिता रहे हैं, खाना पीना सोना आहार निद्रा भय मैथुन, तो क्या यही हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमको बार बार इसका स्मरण होना चाहिए, तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। ये दुखालय शाश्वत में हम है पड़े हुए, हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, भगवान की सेवा करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो ये सारी चीज़ें हमको तत्व से समझनी चाहिए, तभी हम दृढ़ता से इसमें आगे बढ़ेंगे, तभी हम इसमें सीरियस होंगे, नहीं तो फिर ठीक है प्रसाद तो खा सकते हैं, प्रसाद खाया पिया सोया ठीक है, सब कुछ चल रहा है, हरे कृष्णा कर रहे हैं हम, चलो ठीक है ठीक है, पर उसमें भी भगवान उसका भी एश्योरेंस दे रहे हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो भव, तो आप थोड़ा सा भी काम कर रहे हैं तो भगवान इतने दयालु है कि उसका भी आप भगवान अकाउंट रख रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। पर इसमें यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है कि थोड़ा थोड़ा फिर ठीक है ये ए, 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 एक जन्म में थोड़ा सा किया, फिर से अगला जन्म कौन सा मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, अंधकार में आपका क्या चेतना होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम देख रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ पे वृद्धाश्रम है, तो इनका क्या चेतना होगा अंत समय में, घर से दूर है, यहाँ पर देखने वाला नहीं है, तो हमारा चेतना ऐसा होगा मृत्यु के समय में, तो हमको कौन सा शरीर मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये बहुत गंभीरता से हमको भक्ति में जुड़ना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, जहाँ पर भी आपको टाइम मिले भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान की माला करने, भगवान का प्रसाद, सारी इंद्रिया को आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, अपने पैर दिए हैं तो मंदिर जाना चाहिए, भगवत कथा में आप आ रहे तो ऐसा आना चाहिए, अपनी जीवा है उसको भगवान की सेवा में, भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान की गुणगान करने चाहिए। नो डाउट हमको हमारी जो जरूरियात है, कोई बोल सकता है यार प्रभु जी हमको तो नौकरी करनी पड़ती है ये सब है, पर ठीक है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो ठीक है, पर यही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है,
इससे बाहर कैसे निकलना है वो भी वो उसका उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, है ना। ये हमारा वास्तविक जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? क्या यही बस इतना साल तक रिलायंस में नौकरी करते करते यहीं पे पूरा खत्म हो जाए, मर जाए यहीं पर ही, तो यही क्या हमारा जीवन का लक्ष्य है? हाँ? नहीं, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? कैसे हमारे वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में हम कैसे प्रयत्न कर सकते हैं? हाँ? बहु नाम जन्म नाम अंते, ये इतना अवसर हमको मिला है, बहुत प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है, तो ये प्रभुपाद जी की अहितु की कृपा की वजह से हम आज यहाँ पर भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ भगवान की कृपा तो है, पर प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है, हमारी तो कोई लायकियत नहीं है। हम तो बस गटर के बस कीड़े की तरह है, पर प्रभुपाद जी ने हमको इतना सब दिया है। प्रभुपाद जी ने इतने उम्र में विदेश जाके भगवत भक्ति का प्रचार, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, तो किसके लिए किया बताओ? हम जैसे पतित जीवों के लिए किया। हमारा रूपा जी की इतनी ये थी, मतलब दिल में बहुत उनको इतना पीड़ा हो रही थी कि देखो कितने पशुमय जीवन जी रहे हैं लोग। हाँ? कितने मतलब आहार निद्रा भय मैथुन में पूरा अपना मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है उसको व्यस्त कर रहे हैं। हाँ? तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतने सारे विदेशों में गए, इतने सारे लोगों से उन्होंने कष्ट है, किसके लिए? हम सब के लिए। हम प्रभुपाद जी का इतना बड़ा ऋण है हमारे ऊपर, सबके ऊपर, कि हमको भगवान का हरे कृष्णा क्या है, राम कौन है, ये हमको इतना बताने वाले जो है चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा संकीर्तन आंदोलन है पूरे विश्व में फैलाया इन्होंने, तो ये प्रभुपाद जी की महानता है। तो ये इसको हमको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ? छोटी छोटी चीज़ों को हमको पूर्ण गंभीरता से लेना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए सबसे पहले, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम। हाँ? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, जप करना चाहिए भगवान का नाम का। तो ये भगवान खुद बोल रहे हैं, मेरे भक्त बनो, कम से कम मुझे नमस्कार तो करो। है ना, भगवान को दिन में हम कितनी बार नमस्कार करते हैं? कितनी बार नमस्कार करते हैं हम? तो भगवान बोल रहे हैं मेरा भक्त तो बनो, कम से कम मेरा नमस्कार तो करो दिन में एक बार। हाँ? ये भी हम नहीं कर पाते, हम इतने भौतिक चेतना में, हमारी शारीरिक चेतना में है हम हैं, हम बोलते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारा भगवान के साथ ये संबंध है, पर हम वास्तविक में हम देखें हमारी सुबह से उठने से रात में सोने तक की जो क्रिया है वो कौन से स्तर पर है? वास्तविक शारीरिक स्तर पर ही रहती है। हाँ? तो ये इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, कम से कम हम प्रयास करेंगे तो भगवान की इच्छा है होगी तो हमको और इसमें प्रगति करने का अवसर मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा, भक्ति करने से हमारी भक्ति और बढ़ेगी। तो इसके लिए हमको बहुत, ये सारे पॉइंट हमको बहुत अच्छे से हमको इसका पूरा मतलब हमको दिमाग में हमारे घुस जाना चाहिए सब, ये हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये दुखालयम है। क्या क्या देखा अभी हमने? क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया हमने? हाँ, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। फिर दूसरा पॉइंट कौन सा डिस्कस किया?
भौतिक जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम है, तभी हमको पता चलेगा ना कि यहाँ से हमको वापस जाना है। तभी हमको यहाँ सुख मिलेगा तो ठीक है, हम यहीं रहेंगे, यहीं पे ही इंद्र की जरा यहीं पर हम मल खाएंगे और यहीं सुखी रहेंगे, तो यहीं पर सुख मिलेगा। तो एक दूसरा पॉइंट हमने देखा कि ये भौतिक जगत दुखालय अशाश्वत है। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा, हम कौन है, हम कौन है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, और चौथा पॉइंट है भगवान कौन है, भगवान के जन्म कर्म कैसे दिव्य है, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर आगे हमने देखा कि भगवान के धाम हम कैसे वापस जा सकते हैं, तो मनुष्य जीवन का हम कैसे सफल बना सकते हैं, और जो लास्ट है वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा स्वर्ग पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान बता रहे हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो ये है गीता का सही सार, है ना, गीता का सही सार ये श्लोक में भगवान बता रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, तो आगे हम इसके ऊपर और भी डिस्कस करेंगे। पर ये जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है, तो इसके बारे में हमने चर्चा की। तो किसी का और कोई प्रश्न होगा तो मैं उत्तर देना चाहूँगा। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथा रूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बोल प्रभुपाद की।